श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण में पूजा के थाली में ये चीज अवश्य रखें, नहीं तो अनर्थ ना हो जाए, ठीक है। तो पूजा के थाली आप तैयार कर रहे हैं तो पूजा के थाली में ये चीजें अवश्य रखें। शंकर ही एक ऐसा देव है जिनके पूजा सब कोई कर सकते, सभी के पूजा भोले बाबा स्वीकार करते हैं। मनुष्य भी पूजन करते हैं, मानव के, राक्षस के, भूत प्रेत के, सबके पूजा को भगवान शंकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि भोले बाबा के तो गण ही भूत प्रेत हैं। भूत प्रेत को भी प्रेम करने वाले हमारे शंकर हैं, हमारे भगवान हैं। धरती में रहने वाले, पाताल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, सब कोई भोले बाबा के पूजन करते हैं और सभी के पूजन को भगवान शंकर स्वीकार कर लेते हैं। और श्रावण के महीना चल रहा है, आप भी शंकर जी की आराधना करने जा रहे हो, पूजा थाली आप सजा रहे हैं, तो थाली में क्या क्या होना चाहिए आज आप सुन लीजिए। और जब भी शंकर जी के लिए थाली आप तैयार करें, पूजन सामग्री तैयार करें, तो ये चीज़ अवश्य आप तैयार कर लीजिएगा। अब ये चीज़ क्या है आप नोट भी कर लीजिए, क्योंकि भूल भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं आप पूजन के थाली पर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बाद में भूल जाऊंगी तो नोट कर लो, ठीक है। हाँ, नहीं तो आप अपने YouTube में दोबारा सुन सकते हैं। पूजन के थाली में पहले तो एक सुंदर सा थाली हो और उसके में उस थाली में चावल हो, थोड़ा सा काले तिल, भस्म, बेलपत्र, चावल, काले तिल, भस्म, बेलपत्र और बेल फल मिल जाए तो वो भी रख लीजिए। कपूर रख लीजिए, कपूर शंकर जी को अत्यंत प्रिय है। फिर मौली, जो कलावा होता है उसको मौली भी बोलते हैं, वो भी रख लीजिए। और उसके बाद में रोली, चंदन भी रख लीजिए, रोली भी रख लीजिए। और उसके बाद में धतूरे का फूल मिल जाए तो वो भी आप रख लीजिए। थोड़ा सा मीठा, जो सुंदर बढ़िया जो आपको लगे वो मीठा भी आप रख लीजिए। और जलता हुआ दीपक अपने थाली में रख लें और भगवान शंकर जी के लिए स्नान के लिए कटोरी रख लीजिए। और उसके बाद में चंदन, रोली, कपूर मिला करके उस कटोरी में भगवान शंकर जी के स्नान के लिए रख लीजिए, ठीक है। रख लिया, आप थाली तैयार कर रहे तो ज़रूर इस चीज़ को छोड़ना मत। और पंचामृत भोले बाबा को अत्यंत प्रिय है। पंचामृत में क्या लगेगा? घी, दही, दूध, शहद और चीनी, ये पांच चीज़ को मिला करके पंचामृत तैयार किया जाता है। ये भी भोले बाबा को अत्यंत प्रिय है, पंचामृत रख लो। बेलपत्र रख लीजिए, बेलपत्र तो भोले बाबा को और ज़्यादा प्रिय है। और बेलपत्र में अगर आप चाहते हैं भगवान हमसे खुश हो जाएं, भगवत प्राप्ति के लिए ओम या श्री ये शब्द आप बेलपत्र में लिख सकते हैं। धतूरा, बेर, संतरा भगवान को अत्यंत पसंद है। संतरे का जो फल होता है अगर आपको मिल जाए तो संतरे का फल भी भोले बाबा को अत्यंत प्रिय लगता है, वो भी रख लीजिए। अब जनेऊ स्नान के बाद में भोले बाबा को आप जनेऊ भी अर्पण करें, जनेऊ रख लो अपने थाली में। और गंगा जल अति जरूरी है। और गन्ने का रस भी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। और उसके बाद में लंग, इलायची, पान के पत्ते के साथ में आप रखें, ठीक है। लंग, इलायची, पान के पत्ते के साथ में रखें। इन चीज़ों को आप अगर चढ़ाते हैं पूजन सामग्री में, जो पूजन के आपका थाली है उसमें ये चीज़ आप चढ़ाएं और ये लेकर के भगवान शंकर के मंदिर में जाओगे, शंकर का अभिषेक करोगे, पूजा पाठ करोगे, आराधना करोगे, तो ऐसा करने से मन चाहा वरदान आपको प्राप्त हो जाएगा। श्रावण के महीने में आपके पूजा की थाली में ये चीज रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल द
देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।